जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पहले से बेटर हैं? अच्छा, ठीक है। पहले से अच्छी तबीयत होनी चाहिए आपकी और खुश होने चाहिए। दूसरी वाली बात कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कराई थी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशनल वाला पार्ट कर रहे थे। कॉन्फ़िगरेशनल में भी आपने देखा होगा टू टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो हम लोग जो चल रहे थे वो ज्योमेट्रिकल पे चल रहे थे, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ इसमें ये है, सबसे पहले हम GI आज ख़त्म कर लेंगे, देन ऑप्टिकल पे चलेंगे, ठीक है। और जो बच्चे इस लेक्चर को नया देख रहे हैं वो इसको ना देख रहे हैं, सबसे पहले वो पहले पार्ट वन देखें, पार्ट टू फिर इसको देखेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि कैसे हम आइसोमेरिज्म को डील करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको करा रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें तो ये थ्री टाइप्स की होती है, ठीक है। इसको हम सिस एंड ट्रांस बोलते हैं। एक हमारे पास असाइनमेंट के लिए होता है E and Z, एक होता है सिन एंड एंटी, ठीक है। सिन एंड एंटी, अब आपको ये समझना है कि ये कहाँ पे यूज़ करना है, ये कहाँ पे यूज़ करना है, एंड दैट विल बी कहाँ पे यूज़ होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप सिस और ट्रांस को करने के लिए, मैं एक चीज़ आपको लिख रहा हूँ, एटलीस्ट वन ग्रुप शुड बी सेम। जहाँ पर हम लोग सिस और ट्रांस बोलेंगे वहाँ पर एक ग्रुप लगभग सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमने ये 2-butene लिया था, 2-butene को ऐसे किया था लास्ट क्लास में, आपको याद है, इस तरीके से। तो देखो, कोई सा भी एक ग्रुप सेम है हाइड्रोजन, तो आप लोग इसको सिस बोलेंगे, सेम ग्रुप सेम साइड, ठीक है। इस तरीके से सिस और ट्रांस चलेगा। अब मान लीजिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन भी आ गया, तो आप लोग देख रहे हो इसमें भी सिस और ट्रांस ही बोलेंगे, क्योंकि यहां पर एक ग्रुप जो है ना, ये हाइड्रोजन वाला, वो सेम है। सेम ग्रुप सेम साइड, दैट इज कॉल्ड अ सिस। तो सिस और ट्रांस कहां पे यूज की जाएगी, ये आपको बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे बात करते हैं, जहाँ पर मान लीजिए 4 different ग्रुप आ जाएं, सारे के सारे जो 4 group आ रहे हैं वो डिफरेंट ग्रुप आ जाएं, वहाँ पर ई और जेड का यूज़ करते हैं। तो ई जेड के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे, सपोज करिए ई जेड हम लोग कहाँ लिखते हैं, जहाँ पे 4 different ग्रुप आ जाएं वहाँ पर हम लोग ई जेड लगाएंगे। अब ई में क्या है, इफ सेम नंबर इज सेम साइड, सेम नंबर इज डिफरेंट साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉन्फिगरेशन। इफ सेम नंबर इज सेम साइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे आइए, देखो ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। चलिए बात करते हैं कैसे नंबरिंग करनी है। देखो, ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो सबसे ज्यादा इस कार्बन को चेक कर रहे हैं, ठीक है, 1, 2। तो 1 इसकी नंबरिंग गई, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको 1 नंबर करेंगे, तो 1, 2। इसमें भी आपको 1, 2 करिए, तो इन दोनों में देखा जाए तो 1 and 2। अब आप देखो, ये जो दोनों सेम नंबर है वो अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो कौन सा कॉन्फिगरेशन होगा बताओ, ई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसकी कि ये ई जेड है। इसको एक आध बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे करके। अब देखो, इस कार्बन को चेक करो, ये कितना है आपके पास, 1, 2। यहां पे चेक करोगे तो इसको क्या है, 1, 2।
आप देखो वन और वन अपोजिट है, तो ये कौन सा कॉन्फिगरेशन होगा? ई, ठीक है। अब देखो इसमें आ जाओ, अगर एक आध बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ओपन और कर लूं आप लोगों के लिए। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोशिश करूँगा समझाने की, फिर यहाँ कोशिश करूँगा। देखो मान लीजिए ये कार्बन है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग दीजिए, तो वन टू इस कार्बन की जा रही है। अब आप देखो यहाँ पे ये कार्बन है, अगर आप यहाँ देंगे नंबरिंग तो क्या जाएगा बताओ? पहला वाला अगर हमारे पास इस तरीके से है, क्योंकि ये तो नीचे ही जा रहा है, अब इस कार्बन को कौन सा नंबर करेंगे बताओ? हमारे पास आ जाएगा वन एंड टू। तो अगर हम देखें इसको तो कौन सा वाला जा रहा है बताओ? हमारे पास वन और वन अपोजिट है, कौन सा लेंगे हम? ई, वन और वन अपोजिट ई। अब देखो अगर हम लोग इसका नंबर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बताओ? इसमें अगर हम लोग नंबर करें तो ये वन एंड टू, इसमें नंबर करें तो इसको वन एंड टू, ठीक है। यानी कि अगर इस पार्ट में आप लोग नंबर कर रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग, वन एंड टू, यहां पे करेंगे वन एंड टू, तो वन वन अपोजिट ई, ठीक है। अब इस कार्बन का ले रहे हैं तो इस कार्बन को अगर हम देखेंगे तो ये तो ऊपर की तरफ है, तो हमारे पास इस कार्बन को देखने के लिए कौन सा होगा बताओ? वन एंड टू, वन एंड टू। तो ये कौन सा वाला है हमारे पास? अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ई, ठीक है। अब देखो अब इस कार्बन को लो आप लोग, वन एंड टू, क्योंकि इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, तो वन एंड टू एंड वन एंड टू। तो वन वन देख रहे हो एक डायरेक्शन में, तो ये जेड होगा, ये वाली फॉर्म जेड है, ये ई ई फॉर्म है, समझ में आ गया? इस तरीके से ध्यान रखना। अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो मैं दूसरे वाले पे एक बार अप्रोच करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर भी एक आध बच्चे को लग रहा है कि हाँ अभी समझ में नहीं आया, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, वो और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये C है और यहाँ पे C है, अब ये C2H5 है, ये CH3 है, तो वन आपने इसको दिया, टू आपने इसको दिया, ठीक है। अब इस कार्बन का देना चाह रहे हो आप लोग, इसका अब देखो ये कार्बन से कार्बन है जबकि ये हाइड्रोजन है, तो अगर इनको नंबर देंगे इस वाले को तो आप नंबर वन दोगे और इसको टू दोगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो देखो वन वन अपोजिट, टू टू अपोजिट, तो कौन सा होगा? ई होगा ना। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास वन है, वन, और ये है, तो इस कार्बन से Cl लगा हुआ है, इस कार्बन से CHO लगा हुआ है, तो अब हम इस कार्बन को नंबर वन देंगे, ये आप ऐसे समझो। अच्छा यहां वन हो गया, यहां टू हो गया, ये वाला कार्बन टू, वन टू आ गया। अब यहां पे देखो क्या करेंगे, इस कार्बन को वन क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है, इस कार्बन को टू, तो हमारे पास कौन सा हो गया? ई, वन वन अपोजिट हो गया। अब इसका देखेंगे तो वन ये रहा हमारे पास, अब टू इसको देंगे, इस वाले को टू देंगे कार्बन को, ठीक है। अब इन दोनों में बताओ, देखो दोनों में ओ है लेकिन यहाँ पे एच है, यहाँ सी एस थ्री है, तो वन यहाँ पे, टू यहाँ पे, वन वन दोनों में अपोजिट, तो कौन सा वाला चला जाएगा? ई। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो कौन सा हो गया? ई ई ई, ठीक है। एक बार करके देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है फिर मुझे बताइएगा, सिंपल है। अब देखिए क्या है, ये तो आपको समझ में आ ही गया मॉलिक्यूल्स, अब जो एक क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ये है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने इधर से नंबरिंग करी, तो इसको वन टू देंगे और यहां पे क्या है, इस वाले को वन दोगे, इसको टू दोगे,
तो वन और वन अपोजिट चला गया, तो इसको क्या कहने वाले हो आप लोग, ई। अब इस कार्बन पे आ जाओ, ये कार्बन से कार्बन है, तो इसको नंबर वन दोगे, इस वाले को नंबर टू दोगे, इस वाले को वन दोगे, इसको टू दोगे, तो वन वन सेम है, तो इसको जेड। मतलब यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन ई है और यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन जेड है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने इधर से नंबरिंग कर दी, तो भाई यहाँ तो दोनों सेम है ना, आप लोग देख रहे हो। अब मैंने तो पहले, किसी बच्चे ने किया कॉन्फ़िगरेशन ई जेड, ये ऑप्शन आ गया, किसी दूसरा ऑप्शन आ गया आपके पास जेड ई, तो किसको लगा के आने वाले हो भाई, जेड ई तो भी हो सकता है इधर से किसी ने नंबरिंग कर दी, तो ये तो इक्विवेलेंट है, चाहे आप इधर से करिए चाहे आप इधर से करिए। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसको डोमिनेंसी पे रखें। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें जेड को प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू ई, ये प्रायोरिटी होती है, ठीक है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो राइट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, जो इधर से गया तो जेड वाई जेड एंड ई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्योंकि वैसे तो मैं ऑप्टिकल में सिखाऊंगा आपको, लेकिन जब ये वाली बात यहाँ पे आई है तो यहाँ भी समझा देता हूँ और वहाँ भी समझा दूंगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए क्वेश्चन कि ये दोनों आ गए तो हमें करना क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका आर एस नोमेनक्लेचर पर इस तरीके से आ गया, ठीक है जी, मान लीजिए ऐसा आ गया। अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता होगा ये आर एस क्या है। हाँ, मैं भी नहीं कह रहा, वहाँ समझाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। मान लीजिए ये डिसाइडिंग फैक्टर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो सेम है, सेम ग्रुप लगा हुआ है। मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2s एंड 3r, इसका किसी बच्चे ने किया तो इधर से कर दिया, तो इधर से करने पे किसी का आ गया 2r एंड 3s, तो हम किसको प्रायोरिटी दें। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में जिसमें सेम आए तो आर को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू एस। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है इस मॉलिक्यूल्स का। अब यहां बात कर रहे थे हम लोग, देखो अब यहां पर दो ग्रुप सेम आ गए, तो कई बार सिस और ट्रांस की फॉर्म में आपको दे रखा होगा ये क्वेश्चन, कई बार ई जेड की फॉर्म में भी दे सकता है। तो ई जेड और सिस ट्रांस में कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी तरीके का, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो क्या है, ये यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, यहाँ पर टू है, तो क्या हुआ ये बताओ, ई, क्योंकि यहाँ पे वन टू वन टू। तो अगर हम देखेंगे तो मतलब क्या है ये अपने पास जेड, सॉरी जेड है ना, ये आ गया। लेकिन अगर वैसे देखा जाए ये जेड है, क्यों जेड है, क्योंकि वन वन सेम आ रहे हैं। अगर मान लीजिए हम सिस और ट्रांस में देखें तो क्या होगा बताओ, ये ट्रांस है। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ई जेड और सिस और ट्रांस में देयर इज नो एनी रिलेशन। यहां तक क्लियर है बात। अब देखो, अगर हम बात करें, हमने सिस और ट्रांस कर लिया है, हमने ई जेड नोमेनक्लेचर कर रहे थे। अब देखो, मान लीजिए कि ये आपको ई जेड में आ गया क्वेश्चन कि ई है जेड है, तो मैंने आपको बताया था प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर, यानी कि आपको अगर ये प्लेनर नॉन प्लेनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो रिंग है वो डबल बॉन्ड का काम करती है, एक दो तीन चार पाँच फाइव डबल बॉन्ड है, मतलब ऑड नंबर है, तो सिस्टम कैसा होगा, प्लेनर, प्लेनर होगा। और आप यहां से देखिए, ये वन है, ये टू है, ये यहां वन है, ये लॉन पेयर को कितनी प्रायोरिटी दोगे, टू, क्योंकि बहुत ही छोटा स्मॉलर ग्रुप होता है, तो वन और वन सेम साइड है, तो क्या बोलोगे इसको, जेड कॉन्फिगरेशन है। कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, जेड, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारी कौन कौन सी चीज़ें क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया सिस और ट्रांस क्या होता है, ई जेड क्लियर हो गया। अब ये सिन और एंटी कहाँ पे लिया जाता है, ये ध्यान रखना, एजो कंपाउंड में, एजो कंपाउंड्स में और एक ऑक्साइम में यूज किया जाता है। अब ये एजो क्या होता है, जैसे डाई एजो रिंग आपने देखी थी, एजो कंपाउंड देखे थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एजो रिंग है, एन डबल बॉन्ड, ये लॉन पेयर अगर आपका सेम साइड है, लॉन पेयर
इलेक्ट्रॉन सेम साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी ये कंडीशन कौन सी बनी हुई है इसकी, सिन। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाता, तो ये कैसे लिख के आते आप, एंटी। मैं आपको ऐसे ही खड़ा लिख रहा हूं, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ये लोन पेयर कैसा आ रहा है, इस पे सेम, तो कौन सा होगा, जेड। सर, जेड का मतलब सिन। अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए, तो आप क्या लगा के आने वाले हो बताओ, एंटी। तो सिन और एंटी यूज करेंगे, ना कि ई जेड। ऑक्साइम की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एसिटल्डिहाइड वगैरह आ गया, ठीक है, प्लस ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल करा दिया। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, अभी ये क्या होने लगा, ऐसा करके क्वेश्चन बना, यहां पर सी एस थ्री एंड एच। अब आप देखिए इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 एंड 2। क्या हुआ कि जो ये 1 2 और ये 1 2 अपोजिट साइड है, समझ रहे हो ना। देखो 1 के नजदीक तो 1 नहीं है ना, अपोजिट है, तो अपोजिट को मतलब क्या बोलेंगे आप लोग, एंटी। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाता, तो देखो यहां पे करोगे तो 1 2, यहां पे करोगे तो 1 2, तो ये 2 2 सेम साइड आया हुआ है, तो आप लोग क्या कहोगे इसको, सिन। तो ये ऑक्साइम है, ये इसको बैकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होती है एसिड की प्रेजेंस में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या चीजें क्लियर हो गई, सिस्ट्रांस, ईजेड एंड सिन एंड एंटी। एक बार नोट करिएगा, फिर मैं आपको सिखाता हूं अभी टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग कैसे टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करें। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, अब यहां पर हमें मॉलिक्यूल्स देखने हैं 2 टाइप के, एक सपोज करिए एसिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक सिमेट्रिक। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें एसिमेट्रिक में, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे देखेंगे हम लोग, 2 की पावर n। और यहां सिमेट्रिक में ध्यान दें, तो सिमेट्रिक में हमारे पास होता है 2 की पावर n + 2 की पावर p-1। अभी आपको समझ में आने वाला है n क्या है, p इज इक्वल टू, ध्यान रखना n/2 होता है फॉर इवन नंबर के लिए, p इज इक्वल टू n+1/2 होता है फॉर ऑड। अब देखिएगा वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे पहले मॉलिक्यूल्स को देखिए आप, सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है। यहां देखिए, यहां Cl आया हुआ और यहां पे क्या आया हुआ है, CH3। कितने डबल बॉन्ड है इसमें, 2, तो आप इसको यूज करेंगे 2 की पावर 2, तो कितने जीआई होंगे इसमें, 4। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, एक आध बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, अभी आने लगा होगा क्वेश्चन, कि सन ने पहले बताया था कि इवन नंबर डबल बॉन्ड होंगे तो वहां जीआई बनेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, साइंस कैसे चलती है ज्यादातर, मान लीजिए ऐसा होता तो क्या होता, सपोज कर रहे हो आप लोग, सपोज ये कर लेते हैं तो कैसा होगा, तो ये सपोज किए जाने वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, जीआई बताना है कितने होंगे। वो कह रहा है मान लीजिए इसमें आ जाए तो कितने सिसेन ट्रांसफॉर्म बन सकती है, तो वो तो बता ही सकते हो आप लोग, तो मान लेते हैं। तो ये सिमेट्रिक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गया। तो चलो लगाओ फॉर्मूला, 2 की पावर डबल बॉन्ड कितने, 2 - 1 + p, कितना यूज होना है इसमें, इवन नंबर है 1 2, तो इवन नंबर के लिए यहां लिख दूं 2/2 इज इक्वल टू कितना, 1। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या आया, 2 1 - 1
तो कितना आ गया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 0 लिखा होता है 1 2, तो कितने आ गए टोटल 3, 3 जी आई होंगे इस मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये ले रहे हैं। अब सबसे पहले ये देख के बताओ आप ये सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। देखो देखो यहाँ पे क्या है ना, ये चीज़ अलग है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो CH3 नहीं है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स ध्यान रखना एसिमेट्रिक है। कितने डबल बॉन्ड है 1 2 3, तो कितने लगाओगे 2 की पावर 3, तो कितने आ गए 8। अब आप कहो सर सिमेट्रिक कौन सा होगा इसका, इसका सिमेट्रिक नीचे वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है कितने आइसोमर्स बनेंगे। ये केस थे हमारे पास जी आई के, और मैं समझता हूँ शायद क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लग रहा है डाउट प्रॉब्लम है तो आप जरूर मुझे बताएं, और इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऑप्टिकल के साथ।